हे गाइस, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। तो आज से हमारा स्टार्ट होता है फ्री जीएवी, ठीक है, फ्री जनरल अवेयरनेस वीक। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं जो पूरे आपका 1 वीक का चलेगा। तो ये आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 9th से, ठीक है, 9th अप्रैल से। और इसमें डेली हम एक वीडियो लाएंगे आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्च करंट अफेयर्स, जिसका हम आज पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। और कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, बिकॉज यू नो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सीजीएल जैसे टीयर 1 हुआ था, उसमें काफी सारे करंट अफेयर्स आए थे। सिमिलरली जिन जिन का एसएससी सीएचएसएल रह गया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन। ओके, सो डेली आपके लिए ये वीडियो आएगा और डेली टाइम याद रखिएगा 10 PM। ओके, सो 10 PM पे डेली ये वीडियो आएगा। ओके, चलिए उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो मैं बार बार कहती हूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, और ये बेल आइकन है, इसे जरूर हिट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मेड इन इंडिया टेस्ट किट टू डायग्नोज COVID-19 गॉट द कमर्शियल अप्रूवल फ्रॉम द CDSCO, ठीक है। पहला जो इंडिया ने टेस्ट किट बनाया है COVID-19, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, COVID-19 जिसका नाम है, उसको डायग्नोज करने के लिए उसको कमर्शियल अप्रूवल मिल चुका है CDSCO से। तो आपको बताना है कि एस क्या रिप्रेजेंट करता है CDSCO में, ठीक है। सो एस रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एस रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड। और अगर हम इसके पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड ग्लोबल मेगा ट्रायल ऑफ द 4 मोस्ट प्रॉमिसिंग ड्रग्स दैट मे क्योर द नोवेल कोरोना वायरस। क्या नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गिवन टू द फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएटेड, जिसने इनिशिएट करा है एक ग्लोबल मेगा ट्रायल 4 मोस्ट प्रॉमिसिंग ड्रग्स का, जो कि नोवेल कोरोना वायरस को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज सॉलिडेरिटी, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सॉलिडेरिटी। अगला देखिए, विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर प्राइवेटली हेल्ड US डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी लैब। कौन सी कंपनी है जिसने एग्रीमेंट साइन करा है, जिसको वो प्राइवेटली एक्वायर कर लेगी US डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी, जिसका नाम है लैब, ठीक है। सो वो है कॉग्निजेंट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है कॉग्निजेंट। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ व्हाट्सएप चैट बॉक्स टू इनेबल सिटीजन्स टू गेट कोरोना वायरस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स क्रिएट करेंगे, जिसमें वो सिटीजन जो है वो इनेबल कर सकते हैं, और जिसमें सिटीजन्स को कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस तरीके का एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स वो क्रिएट करेंगे। तो आपको बताना है हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो वो है भगत सिंह कोशियारी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी। अगला देखिए, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स से विदड्रॉ करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है, तो वो है कनाडा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। What is the 2020 theme of the World Tuberculosis Day observed on 24th of March? जो World Tuberculosis Day होता है, जो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, उसका 2020 का थीम आपको बताना है क्या था, ठीक है। 2020 का थीम था It's Time, option 4, It's Time. Which e-commerce company is teaming up with the research program funded by Bill Gates to pick up and deliver coronavirus test kits in Seattle? जो Seattle करके एक जगह है United States में, तो कौन सी e-commerce company ने team up करा है research program, एक research program के साथ, जो कि Bill Gates fund करेंगे, जिसमें क्या करेगी वो e-commerce company, वो pick up करेगी और deliver करेगी coronavirus test kits को, कहाँ पे, जगह भी याद रखेगा Seattle, ठीक है। तो वो है Amazon, option 2, Amazon. अगला देखिए, what is the global GDP decline percentage for 2020 predicted by Goldman Sachs due to coronavirus outbreak? Coronavirus outbreak के वजह से कितना global GDP, gross domestic product decline हुआ है, कितना percentage 2020 के लिए, जो कि Goldman Sachs ने predict करा है, ठीक है। So that is 1%, option 1, 1%.
IRDAI asked life insurers to provide customers an additional window of up to 1 month for paying renewable premiums in view of the COVID-19 outbreak. IRDAI जो है, IRDAI क्या है? IRDAI insurance जो company है, उनको regulate करती है. तो IRDAI ने क्या करा है? जो life insurers हैं, उनको बोला है कि वो to provide customer, जो life insurance company उनको provide कर रहे हैं कि जो customers हैं, उनको additional window दे दें 1 month के payment renewable premium के लिए COVID-19 की वजह से. ठीक है, तो आपको बताना है कि IRDAI के चेयरमैन कौन है. ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो IRDAI के चेयरमैन है ऑप्शन टू सुभाष चंद्र खुंटिया. सुभाष चंद्र खुंटिया जो है, ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ IRDAI. Which airline has appointed Sanjeev Kapoor as its advisor? कौन सी एयरलाइन है जिसने संजीव कपूर को अपने एडवाइजर के रूप में अपॉइंट करा है? तो वो एयरलाइन है गो एयर. ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, गो एयर. What is India's ranking in the UN World Happiness Report released in accordance with International Day of Happiness on March 20? India की ranking बतानी है जो report आई है, World Happiness Report. ठीक है, जो अभी हाल ही में release हुई है, उसमें India की क्या ranking है. साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि International Day of Happiness जो है वो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है. तो इंडिया की रैंक है ऑप्शन टू 144. ठीक है, और अगर टॉप की बात करें कि किस कंट्री ने टॉप करा है, तो वो है फिनलैंड. The Reserve Bank of India has opened an emergency line of credit of around how much crore to Yes Bank to meet any liquidity crisis. Yes Bank में कोई भी liquidity crisis ना हो, उनको meet करने के लिए Reserve Bank of India ने एक emergency line of credit open की है. तो आपको बतानी है कितने की वो emergency line of credit open की है RBI ने. ठीक है, तो वो है 60,000 crore. ठीक है, option 4 is the correct answer. अगला देखो, केनी रॉगर्स पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81. ही वाज अ रेनॉन. केनी रॉगर्स थे, उनकी डेथ 81 की एज में हो गई. तो आपको बताना है कि वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे. सो ही वाज अ रेनॉन सिंगर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इंडिया प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट टू द SAARC इमरजेंसी फंड टू फाइट COVID-19. COVID-19 से फाइट करने के लिए इंडिया ने SAARC इमरजेंसी फंड को कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है? सो दैट इज $10 million. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. How much is the 2020 budget allocation for the National Technical Textile Mission? National Technical Textile Mission के लिए 2020 का budget allocation कितना है, जो union budget आया था वो. ठीक है, so that is 1480 crore. option 5. ठीक है, 1480 crore. ठीक है, अगला देखो, which country will host the World City Summit 2020 from July 5 to 9? July 5 से लेके 9 तक कौन सी सिटी है, जो कि कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड सिटी समिट 2020 को होस्ट करेगी? सो दैट इज सिंगापुर. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर. Which state government recently abolished reservation and promotion in the state government job? जो state government की job होती है, उनमें reservation नहीं होगा. उस चीज को, मतलब reservation को किस state ने abolish किया है कि state government jobs में कोई भी reservation नहीं होगा? तो वो है उत्तराखंड. option 2. अगला देखो, which union territory announced 5 lakhs free health insurance for its resident? कौन सी union territory है इसमें से जिसने 5 lakh free health insurance अपने resident के लिए, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके लिए announce करा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर. option 1. नेक्स्ट देखो, फ्रेंच लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ऑन 20th मार्च एवरी ईयर बाय द यूएन. ठीक है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो फ्रेंच लैंग्वेज डे है, वो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द यूएन. तो इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज है जो कि यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज होती है? ठीक है, तो है ऑल. ऑप्शन 5. ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती हैं, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच और स्पेनिश. तो याद रखिएगा, 20 मार्च को अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी 20 मार्च को ही होता है. ठीक है, और एक ये हो गया आपका फ्रेंच लैंग्वेज डे. अगला देखो, रॉगर मे वेदर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58 इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. रॉगर मे वेदर जो थे, जिनकी डेथ 58 की एज में हो गई, तो आपको बताना है कि वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे. ठीक है, सो ही वॉज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग. ऑप्शन 2, वो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड थे. एंड्रू मेलकम एलिस अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली, विद विच फील्ड ही इज रिलेटेड? एंड्रू मेलकम एलिस ने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है. तो आपको बताना है कि वो किस फील्ड से रिलेटेड है.
मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो इज रिलेटेड टू क्रिकेट, ऑप्शन वन, वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, याद रखिएगा, एंड्रू मैल्कम एलिस, ही इज द प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट अनाउंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3700 करोड़ फॉर सेटिंग अप ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन द स्टेट। कौन सी स्टेट ने अनाउंस कराया है 3700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप करने के लिए स्टेट में, तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने का करा है, 3700 करोड़ का। Who has been appointed as the chairman and managing director of Power Finance Corporation? Power Finance Corporation के PFC के chairman and managing director कौन appoint हुए हैं? CMD कौन appoint हुए हैं? तो वो है रविंदर सिंह ढिल्लन। Option 3 is the correct answer, रविंदर सिंह ढिल्लन। अगला देखो, who has been appointed as the chief electoral officer of the union territory of Jammu Kashmir? Jammu Kashmir के नए chief electoral officer कौन appoint हुए हैं? तो वो है हृदेश कुमार। Option 4 is the correct answer, हृदेश कुमार, जो कि appoint हुए हैं chief electoral officer of Jammu and Kashmir। तो इसी के साथ आपका पार्ट वन खत्म होता है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्च करंट अफेयर्स का। कल हम इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, याद रखिएगा 10 PM, ठीक है, 10 PM, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये जो आपका फ्री GA वीक चल रहा है, और साथ ही साथ ये वीडियो भी। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन जरूर हिट करें। और इस टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ रहें, सैनिटाइजर यूज करें, नो ह्यूमन इंटरेक्शन, नथिंग, ठीक है। और आपके एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होंगे, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, और प्लीज अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखें।